व्रत टूट जाए तो क्या करें? क्या होता है इसका दुष्प्रभाव? क्या प्रायश्चित द्वारा दुष्प्रभाव को किया जा सकता है कम? हिंदू संस्कृति में पूजा पाठ और व्रत भगवत भक्ति और आस्था प्रकट करने का माध्यम माना जाता है। हिंदू धर्म में उपवास भगवान को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है, ताकि भगवान अपने भक्त से खुश होकर उसकी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान के अलग अलग स्वरूप में हर तरीके के व्रत की अपनी मान्यता होती है। व्रत का नियम अलग अलग होता है। जिन्हें लोग मन की शांति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य, पति पत्नी की कामना, नौकरी, व्यापारिक उन्नति, संतान प्राप्ति आदि की कामना के लिए लाखों लोग व्रत रखते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार लोगों के द्वारा किए हुए पाप और पुण्य कर्मों का निवारण यही करना होता है, और अच्छे काम करने में स्वर्ग और बुरे काम करने में नरक की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। ऐसे ही हिंदू धर्म में व्रत की बहुत मान्यता होती है। व्रत को धर्म का ही एक साधन माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों की भूल की वजह से उनका व्रत टूट जाता है। व्रत का टूट जाना भी पाप तुल्य कर्म माना जाता है। व्रत अगर पूर्ण ना हो तो भगवान नाराज हो जाते हैं और आपकी मनोकामना भी अधूरी रह जाती है। हालांकि कोई जानबूझकर अपना व्रत नहीं तोड़ना चाहेगा, लेकिन क्या करेंगे आप यदि गलती से आपका व्रत टूट जाए? क्या इसके प्रभाव को कुछ प्रायश्चित के बाद कम किया जा सकता है? घबराएं नहीं, बस कर लें ये छोटे उपाय। इससे नहीं होंगे भगवान नाराज और आपका व्रत भी होगा पूरा। ये निर्भर करता है कि आपने किसका व्रत रखा है। नवरात्रि का व्रत है तो 9 दिन का रखते हैं और महाशिवरात्रि पर 1 दिन का। भक्तों को सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि व्रत न टूटे। यदि भूलवश आपका व्रत खंडित भी हो जाता है, इसके लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं जिसका पालन कर व्रत टूटने के दोष से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि व्रत खंडित होने की स्थिति में आपको व्रत दोष से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए बताते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये जानते हैं कि व्रत कब खंडित होता है और हमें व्रत में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। व्रत हमारी सात्विक परंपरा है, लेकिन व्रत के दौरान अगर आपने कुछ ऐसे कार्य किए जो निषेध बताए गए हैं तो आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं क्या होते हैं व्रत के नियम। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कुछ नियम बताए गए हैं, वो हैं क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी ना करना। यह नियम संपूर्ण व्रतों में आवश्यक माने गए हैं। व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह व्रत का संकल्प लेकर साफ सुथरे कपड़े अवश्य पहनने चाहिए। इस तरह आप व्रत में स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाते हैं। साथ ही किसी की निंदा बुराई करने से बचना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए और उनके अंदर क्षमा की भावना हो। दिन में सोने से व्रत का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता और क्षमा की भावना होने से आप ईश्वर के करीब आ जाते हैं। साथ ही इसको आदत भी बना लें। व्रत के दौरान बार बार खान पान नहीं करना चाहिए और व्रत समाप्त होने के बाद ही सात्विक भोजन करना चाहिए। आप व्रत के दौरान एक बार फलाहार कर सकते हैं, लेकिन बार बार खान पान की चीजों के सेवन करने से, और ध्यान रखें कि उपवास के बाद ज्यादा खाने से बचें। व्रत करने वाले व्यक्ति को विधि विधान से देवी देवता की पूजा करनी चाहिए और आशीर्वाद मांगना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो व्रत तो करते हैं लेकिन देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रती के लिए यह दिन बेहद खास होता है और ईश्वर से जुड़ पाता है, इसलिए पूजा उसके मार्ग को आगे बढ़ाती है और जीवन को नई ऊर्जा की तरफ ले जाती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को हमेशा सत्य वचन बोलने चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही चोरी जैसे अनैतिक कार्यों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसा करने से व्रती को पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप का भागीदार नहीं बनता। इन चीजों को न केवल व्रत के दौरान बल्कि हर रोज के जीवन में इनसे दूरी बनाकर रखें। व्रत करने वाले व्यक्ति को हमेशा दान पुण्य अपनी क्षमता के अनुसार जरूर करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि दान हमेशा जरूरतमंद को दें। व्रत के दौरान दान करने से मनुष्य का इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है और मनुष्य को सद्गति मिलती है। व्रत भंग होने पर जिस भगवान का व्रत रखा है उनकी उपासना करते हुए माफी मांगनी चाहिए। व्रत दोष के लिए उसी देवी और देवता की मूर्ति स्थापित कर उसको सबसे पहले दूध, दही, शहद और शक्कर को मिलाकर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। बनाई गई मूर्ति पर गंध, अक्षत, फूलों और 16 तरह की पूजा सामग्रियों से पूजा करनी चाहिए। व्रत टूट जाने के बाद किसी बड़े और ज्ञानी पंडित से पूछकर दान पुण्य जरूर करें, जिसकी मदद से भगवान को मनाने में मदद मिलेगी।
जिस भगवान का व्रत टूटता है उस भगवान के विशेष मंत्र को पढ़ने के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। उन देवता के नाम का घर में हवन जरूर कराना चाहिए और व्रत भंग की क्षमा मांगनी चाहिए। हवन के बाद प्रार्थना करते वक्त कह दें कि जो हमारे द्वारा व्रत भंग हुआ था उसका दोष दूर करें और व्रत पूर्ण करें। इसी तरह से परमात्मा से क्षमा मांगकर दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।